हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू लर्निंग विद एसआर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 100 HD बैकग्राउंड, जिसको आप डाउनलोड करके अपने पिक्सआर्ट में एडिटिंग कर सकते हो। गाइस, बहुत ही औसम। तो चलिए, कैसे डाउनलोड करना है इन बैकग्राउंड को, वो अब मैं आपको बता देता हूँ। आपको वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जीप फाइल में पासवर्ड है गाइस, और पासवर्ड आप जानोगे तभी जीप फाइल ओपन हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है गाइस। तो सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा। यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो और यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लो गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे हमारा वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, learningwithsr.com। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा वेबसाइट हो चुका है ओपन। यहाँ आपको नीचे करोगे तो दिख जाएगा 100 HD बैकग्राउंड जी फाइल वन क्लिक डाउनलोड, इसको क्लिक करना है गाइस। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये पोस्ट ओपन हो रहा है। तो आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से जाके। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारा कुछ लिख दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड्स आपको दिख जाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे करते जाओगे, आपको बैकग्राउंड दिखते जाएगा गाइस। यहाँ पे 100+ बैकग्राउंड्स हैं, HD बैकग्राउंड्स गाइस, जो कि आप इंस्टाग्राम में देखे होंगे, ट्रेंडिंग एडिटिंग होते हैं, उन सभी के बैकग्राउंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जितना नीचे करते जाओगे गाइस, उतना आपको मिलते जाएगा बैकग्राउंड। और फिर एकदम लास्ट में आपको जीप फाइल मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसी तरह से आपको भी डाउनलोड करना है। और यहाँ पे और भी पोस्ट आपको दिख जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से डाउनलोड करना है गाइस, यहाँ पे डाउनलोड बटन आपको दिख जाएगा। और फिर आगे आपको बताऊंगा गाइस कि कैसे आप इस जी फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे, पासवर्ड और सब बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहो गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप एक एक करके बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ आप बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं एक एक करके। जैसे कि हमें डाउनलोड करना है, बताता हूँ, ये वाला, जैसे कि कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, तो उस पर हमें ओपन करना है इस तरह से, उसमें लॉन्ग प्रेस करना है और डाउनलोड इमेज में आना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो चुका है डाउनलोड और हमारा बैकग्राउंड आ गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इसको एडिट, अपने फ़ोटो में एडिट कर सकते हो गाइस। और अगर सारे बैकग्राउंड्स को एक डाउनलोड करना चाहते हो, जी फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको आगे देखना होगा वीडियो, और उसका पासवर्ड भी आगे आपको बताऊंगा। तो ठीक, सो गाइस, जी फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना होगा गाइस। आपको जैसे ही आप डाउनलोड बटन क्लिक करेंगे, आपके सामने आएगा कि गूगल ड्राइव कौन से ईमेल आईडी से सेलेक्ट करना है। तो आपको सेलेक्ट करना है अपना जो भी गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए, जैसे कि यहाँ पे हमने किया डाउनलोड बटन पे क्लिक, यहाँ पे आ रहा है कौन से ईमेल से डाउनलोड करना है, तो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद आपको सेलेक्ट कर देना है, इस तरह से ओके कर देना है, और फिर डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन होने लगेगा। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है जेड अर्चीवर। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जेड अर्चीवर, तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है जेड अर्चीवर गाइस। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपको डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आपको ओपन करना है गाइस, और आपका जो फाइल जहाँ पे भी है उसको ओपन कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से फोल्डर में हमारा डाउनलोड हुआ है। आपके जहाँ पर डाउनलोड होता है उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको उस फाइल में जाके बता देता हूँ। तो यहाँ पर जिप फाइल है हमारा, तो जेड अर्चीवर में इसलिए हमने ओपन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्सआर्ट वायरल बैकग्राउंड्स, यहाँ पे हमको दिख चुका है फाइल, इस पर हमें क्लिक करना है और फिर एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है गाइस। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे लिखना है, SUBSCRIBE। सब्सक्राइब आपको लिखना है गाइस, और सब्सक्राइब कर भी देना है चैनल को जल्दी से। तो जल्दी से जाइए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो सब्सक्राइब लिखने के बाद आपको करना है डन, यहाँ पे देख लेना है एक बार सही लिखा है कि नहीं, सही लिखा है हमने, तो यहाँ पे इसको ओके कर देना है। तो हमारा सारा बैकग्राउंड हो गया है एक्सट्रैक्ट। हमें जाना है ऊपर,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ देखिए ये फोल्डर सारा जो बैकग्राउंड है वो आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 100 से भी ज़्यादा बैकग्राउंड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको ओपन भी कर सकते हो और अपने पिक्सआर्ट में भी यूज कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपका मदद ज़रूर करूँगा। और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि ऐसा वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड बिल्कुल HD है। तो आगे कौन सा वीडियो चाहिए ये भी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, ताकि मैं आपके लिए वीडियो जल्दी जल्दी ला सकूँ। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।